हे गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं बॉय सुमित की एक अनदर वीडियो। क्या है सच्चाई? आकांक्षा दुबे, समर सिंह, बॉय सुमित। स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आकांक्षा दुबे क्यों की सुसाइड? क्या कारण था कि मरना ही सही रास्ता समझी? बात करेंगे इसी मुद्दे पर, इस वीडियो में बने रहिए। आज सुबह सूचना मिली कि इन्होंने आत्महत्या कर ली है फांसी लगा करके। इस सूचना पे हमने कार्रवाई की है। फिर देखा लोग के कहना बाकी आकांक्षा दुबे के बॉयफ्रेंड समर सिंह और आकांक्षा दुबे उन दोनों के बीच में एक महीना से ठीक से ना जमत रहा। और 25 तारीख के रात में 8 बजे आकांक्षा दुबे केहू के बर्थडे पार्टी में गईली और फिर उन्हें से 2 बजे रात के लौटली। और जब 2 बजे रात के लौटली तो रोते रोते इंस्टाग्राम पर लाइव भइली और लाइव में ही 2-3 बजे के आसपास में किसी के पास कॉल लगा रही थी मगर कॉल नहीं लग रहा था। और होटल वालों का यह भी कहना है कि आकांक्षा दुबे जब 2 बजे रात को आई तो बहुत ज्यादा ड्रिंक की थी, मतलब कि बहुत ज्यादा नशा कर ले रही। घटना यही हुआ सर, वो अपना रात में आई थी, काफी ड्रिंक की हुई थी। और जब सुबह हुआ तो पता चला कि आकांक्षा दुबे उसी होटल में सुसाइड कर ली है। अब सुसाइड कर ले वाली कि मर्डर भइल वाली तो बात पुलिस पता कर रहल बा, लेकिन आकांक्षा दुबे के मम्मी मीडिया के सामने आके सीधे के कहतरी कि समर सिंह और संजय सिंह मिल के उकरा बेटी के मार देले बालो। समर सिंह, संजय सिंह ने मेरी लड़की को मार डाला। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी लड़की ऐसा कुछ नहीं कर सकती। और आकांक्षा दुबे के मम्मी साफ साफ ही मीडिया के सामने आके कहता रही कि समर सिंह उनका बेटी के 3 साल से टॉर्चर करते रहन। और समर सिंह और संजय सिंह ये दोनों जना भाई हलो, उनका बाद उनका बेटी से काम करा के आज तक उनका बेटी के 1 रुपया नहीं खलक दिले। 3 साल से समर सिंह मेरी लड़की को टॉर्चर करता था। और जाने माने भोजपुरी के सुपर स्टार यश कुमार ये कह रहे हैं कि भोजपुरी में कुछ हीरो हैं जो हीरोइन को 1 साल 2 साल चाहे 6 महीना अपना साथे रखे लोग और यूज कर लोग ओकरा बाद छोड़ देवे लोग। और भोजपुरी के जितना भी कलाकार बारन बस लोग के सामने कहेला लोग कि हम सब आदमी एक बनी सन, लेकिन अंदर अंदर खिचड़ी बनला। तब समझल लोग कि भोजपुरी के जितना भी कलाकार बारन पब्लिक के सामने भाई भाई और पीठ पीछे, समझा लोग। करवा दिया, 21 तारीख को धमकी दिया, इधर 25 तारीख को करवा दिया मर्डर। अब अगर जिनका मम्मी के हिसाब से उहे दो जना दोषी बारह लोग तो उनका लूप पर कार्रवाई होके के चाहिए। अमर सिंह, संजय सिंह के ऊपर FIR मैंने किया है। अब एगो इम्पोर्टेंट बात हम तालू से बताओ तनी कि जोन आकांक्षा दुबे रही है वो आम नशा ना करते रही है, बहुत बड़ा नशा करते रही है। बड़का गंजेरी थी, बड़का ड्रग्स खोरनी थी, बड़का शराबी थी। अब क्या है सच्चाई, कौन है दोषी? अब तो ये जाँच के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए, आप लोग को क्या लगता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर जो हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर जाइए, बॉय सुमित सर्च कीजिए, हमको फॉलो कीजिए। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, बाय बाय। ओके यार, ये वीडियो देखो, इनकी आकांक्षा दुबे की माता जी जो हैं उनके बयान पर, उनके कहने पर, ठीक है, और उनके स्टेटमेंट पर ही ये फुल वीडियो बेस्ड है, ठीक है। तो देखो यार, एग्जैक्ट रीज़न जो है वो सर्चिंग के बाद ही पता चलेगा कि क्या रीज़न था, ठीक है। और पुलिस हर तरीके से यहाँ पर कोशिश कर रही है और मेरे हिसाब से जल्द पता लग जाना चाहिए इस बारे में, है ना, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक इंसान ने अपनी जान ले ली या फिर उसके साथ कोई हादसा हुआ है, ठीक है, तो वो सामने आना चाहिए, वजह सामने आना चाहिए क्यों ऐसा है कि हाँ। आज अगर ऐसी ही हरकतें होती रहेंगी तो मेरे ख्याल से यार इंडस्ट्री में कोई भी लड़की काम करने से डरेगी, ठीक है, कोई भी लड़की काम करने से डरेगी कि हाँ मतलब हमारा तो मिसयूज़ होगा, कास्टिंग काउच का शिकार हो सकती हैं, है ना, और धोखे में रखा जा सकता है, उनकी पेमेंट ना देना। ये सिर्फ एक्ट्रेस का हाल नहीं है, मतलब जितनी भी एक्ट्रेसेस काम कर रही हैं उनका हाल नहीं है, ये फीमेल सिंगर्स का भी यही हाल है,
ठीक है, उन्हें बहुत ही कम एक तो पेमेंट दिया जाता है और कई कई बार टाल दिया जाता है, कई कई बार वो बड़े जो क्रिएटर्स होते हैं, बड़े सिंगर्स होते हैं, बड़े एक्टर्स होते हैं, उनके इन्फ्लुएंस के वजह से उन्हें फ्री में गाना पड़ जाता है, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हाँ, जो पावरफुल इंसान है वो अपना इन्फ्लुएंस दिखाता है, वो अपनी पावरबाजी, अपनी रंगदारी दिखाता है, ठीक है, लेकिन हर बार ये सच हो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, है ना। तो जो भी सच है, अभी हम कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकते, जो भी सच है वो पुलिस सामने लाएगी ही लाएगी। ओके, सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा और मैं बस यही दुआ करती हूँ यार कि आकांक्षा दुबे को इंसाफ मिलना चाहिए बस। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।